तो हम पहुंच चुके हैं वात अरुण। वात अरुण बैंकॉक की हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स में से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वात है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत थाई आर्किटेक्चर का नमूना है वात अरुण। तो आइए हम मिलकर एक्सप्लोर करते हैं वात अरुण। बैंकॉक ये डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल है। इसके अलावा है यहाँ पे वात अरुण के गार्डन्स। ये सारी ब्यूटिफिकेशन इसलिए है, मैं आपको बड़ा क्लियर से बताऊं, क्योंकि पहले ये पैलेस का एक हिस्सा था, रॉयल पैलेस का रॉयल टेंपल था। जो यूएसपी है और सबसे मेन चीज़ ये है जो इसको एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बनाती है, वो है चाओ फ्राया रिवर के बैंक पे है ये, और यहाँ से रिवर का अमेजिंग व्यू आता है। कल जब मैं जो यहाँ पे रिवर क्रूज़ चलता है डिनर का या टॉयलेट, तो उसमें भी क्रूज़ में से भी ये हमको दिखता है। और वो है एक बोट टूर, वो देखिए वो है एक बोट टूर, वो बोट टूर के थ्रू भी आप वात अरुण विजिट कर सकते हैं। तो ये सच बता रही हूँ बहुत ही खूबसूरत है, इसको आके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप बैंकॉक आए हैं तो इसे मस्ट विज़िट कीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है। जो मेरे पीछे आप ये पगोड़ा देख रहे हैं, ये थाईलैंड का सबसे टॉलेस्ट पगोड़ा है जो कि वात अरुण टेंपल में बना हुआ है। इस पगोड़ा की क्लॉकवाइज 3 राउंड्स लगाना बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। थाईलैंड के मंदिर में शॉर्ट ड्रेसेस में या शॉर्ट्स में या रिवीलिंग क्लोथ पहन के आना अलाउड नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब कोई दूसरा इस तरह के रिवीलिंग कपड़ों में होगा तो जो एक्चुअली मेडिटेशन करने आए हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट टू होगा कॉन्सेंट्रेट करना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये है पगोड़ा, और इस पगोड़ा में भी द्वारपाल जैसे डिविलियस फॉर्म्स में ही उन्होंने उस पगोड़ा को पकड़ा हुआ है। हमको ये देखिए, तो सिंबलाइज कि जिसकी जिसने बुद्धा को अपना लिया या जो बुद्धा बन गया, वो डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स, डिस्पाइट ऑल द बर्डन्स, वो हैप्पी है।
पर जिसने बुद्धा को अटेन नहीं किया उस पे हार्डशिप्स आते ही उसकी डेविलियस नेचर बाहर आ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्बोलॉजिकल लेसन यहाँ से हमको एक और फिर से मिलता है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थ्रू बहुत कुछ समझाया गया है। समझने की बात है, छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े लेसन्स लाइफ के बताए गए हैं। मेन पकोड़ा के बिल्कुल सामने आपको मिलेगी मॉनेस्ट्री, जहाँ पे है बुद्धा की बहुत ही बड़ा स्टैचू, और जहाँ जाके आप एक्चुअली मेडिटेट एंड प्रेयर्स कर सकते हैं। और यहाँ ये है मेरे पीछे एक बोधी ट्री, जो कि बिल्कुल वो तरुण टेम्पल के सामने है। बुद्धिज़्म में बोधी ट्री को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि बुद्धा ने 7 ईयर्स तक बोधी ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन की थी। ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है मेन विहारा इस टेंपल का, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही है ऑर्डिनेशन हॉल। तो आइए हम विजिट करते हैं बहुत अरुण। काफी सुंदर सिटिंग पोजीशन में बुद्धा का स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पे, मेडिटेटिव पोजीशन है। ग्राउंड से ऊपर लोटस के फूल पे बुद्धा को एम्बार्केशन दिखाई हुई है उनकी, बहुत ही खूबसूरत पोजीशनिंग दिखाई हुई है। सिंबलाइज करता है कि डिस्पाइट सो मेनी वर्ल्डली प्लेजर्स बुद्धा हैज रिजन अबव एवरीथिंग एंड सो एज टू यू। इन सारे वर्ल्डली प्लेजर्स से हमें उठकर अपने अंदर का बोधिसत्व हासिल करना है। हर एक टेंपल का एक ही मोटिव है, टू फाइंड इनर पीस।